नमस्कार साथियों, मीरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति के इस पार्ट के अंदर वीडियो की इस श्रृंखला को हम लोग आज पहली बार शुरू कर रहे हैं और समय समय के साथ विभिन्न प्रकार के कई महत्वपूर्ण वीडियोस मीरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध रहेंगे। इतिहास, कला और संस्कृति में राजस्थान इतिहास में सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम राजस्थान इतिहास में पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। अधिकांश विद्यार्थियों की यह डिमांड रहती है कि राजस्थान का जो इतिहास है उससे संबंधित राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और उनमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेवाड़ के इतिहास को। साथियों, मेवाड़ के इतिहास की यदि हम बात करें, सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे गोहिल वंश के बारे में। राजस्थान के अलग अलग भाग पर अलग अलग वंश के शासकों ने शासन किया, उसमें सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ पर शासन किया गोहिल वंश ने। तो आज हम लोग गोहिल वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कहा गया है, गोहिल वंश की कुल 24 शाखाएं थी। उन 24 शाखाओं में मेवाड़ के जो गोहिल थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। गोहिल वंश की कुल 24 शाखाएं थी। उन 24 शाखाओं में मेवाड़ के जो गोहिल थे वो प्रभावशाली और महत्वपूर्ण शाखा थी। मेवाड़ के गोहिल वंश की यदि हम लोग बात करें, सबसे पहले मेवाड़ के गोहिल वंश के महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ेंगे, बापा रावल के बारे में। बापा रावल के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बापा रावल, जिसका वास्तविक नाम था कालभोज। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था। बापा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था, जबकि जैसा कि कहा जाता है बापा रावल हारित ऋषि का शिष्य था। बापा रावल हारित ऋषि का शिष्य था। 734 ईस्वी में मौर्य वंश के शासक मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़ पर इसने अधिकार लिया था। 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। सबसे पहले चित्तौड़ पर अधिकार, मान मौर्य को हराने के बाद चित्तौड़ पर अधिकार किया और इसने अपनी राजधानी को नागदा में बनाया। चीज है नागदा, जो कि उदयपुर में स्थित है। बापा रावल ने अपनी जो राजधानी बनाई वो नागदा उदयपुर को बनाई, और इसी नागदा उदयपुर में जो स्थित है, नागदा में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनाया। नागदा में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण भी बापा रावल ने किया। मित्रों, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास में ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि इतिहास के अंदर तिथि और काल क्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है, और उसके बाद में इतिहास को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, सुगम तरीका है, कि समानता का जो सिद्धांत है, सापेक्ष रूप से अगर इतिहास की कई बातों को आप लोग जोड़ करके पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर हमने पढ़ा कि 734 ईस्वी में मान मौर्य को हरा करके बापा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया, अपनी राजधानी नागदा उदयपुर में बनाई, और नागदा में ही बापा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किया। और भगवान एकलिंग जी के बारे में कहा जाता है कि मेवाड़ वंश के जितने भी शासक थे वो स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। यानी मेवाड़ वंश के सभी शासक, मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे।
एकलिंग जी का दीवान मानते थे। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है कि मेवाड़ वंश के शासक स्वयं को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी का। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया नागदा उदयपुर के अंदर। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार किया, नागदा उदयपुर में अपनी राजधानी बनाई, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किया और मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान भी मानते थे। इसके अलावा बप्पा रावल के बारे में यदि हम लोग बात करें तो बप्पा रावल से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारियाँ इतिहास में है, जिनसे संबंधित भी परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जाता है। कहा जाता है कि बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया और प्रतियोगी परीक्षा में कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से गजनी किस देश में स्थित है। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया, साथियों गजनी अफगानिस्तान में स्थित है, यानी कि मेवाड़ वंश का शासक गोहिल वंश का ऐसा शासक जिसने मुस्लिम सेना का पीछा किया और मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया। बप्पा रावल गजनी का उस समय का शासक था सलीम, उसने गजनी के शासक सलीम को हराया और अपने भांजे को शासक बनाया, वहाँ का भांजे को गजनी का शासक बनाया। गजनी अफगानिस्तान में स्थित है, यानी भारत से भी बाहर गजनी तक मुस्लिम सेना का पीछा किया, गजनी के शासक सलीम को हराया और सलीम को हराने के बाद गजनी का शासक अपने भांजे को इन्होंने बनाया। उसके बाद में बप्पा रावल से संबंधित अगर कुछ और जानकारियों को पढ़ा जाए, जैसा कि बताया गया है कि बप्पा रावल को एक प्रसिद्ध इतिहासकार सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी है। फ्रांस के कमांडर थे चार्ल्स मार्टेल। प्रसिद्ध इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी है। चार्ल्स मार्टेल फ्रांस के कमांडर थे। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल भी पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी, तो आपका आंसर आएगा सीवी वैद्य। और कई बार इस सवाल का दूसरी तरफ से घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि सीवी वैद्य ने गोहिल वंश के किस शासक को चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी थी, तो आपका आंसर आएगा बप्पा रावल। एक बहुत ही खास रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, पाकिस्तान का जो वर्तमान का रावलपिंडी का शहर है, रावलपिंडी का नाम भी बप्पा रावल के नाम पर पड़ा था। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जानकारी की, पाकिस्तान का जो वर्तमान का रावलपिंडी शहर है, रावलपिंडी शहर का नाम भी इनके नाम पर पड़ा था, बप्पा रावल के नाम पर रावलपिंडी शहर का नाम पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, बप्पा रावल के नाम पर रावलपिंडी शहर का नाम पड़ा। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के भी चलाए, मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। 115 ग्रेन का सोने का सिक्का बप्पा रावल ने मेवाड़ में शुरू किया। इसके अलावा भी बप्पा रावल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि बप्पा रावल की कुछ उपाधियों के बारे में भी कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। इनमें बप्पा रावल की महत्वपूर्ण उपाधियों के बारे में कहा जाता है कि हिंदू सूरज बप्पा रावल की उपाधि थी, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ भी चुका है कि निम्न में से गोहिल वंश के किस शासक की उपाधि चकवे थी या चकवे से किस शासक को जाना जाता था। चकवे का मतलब होता है साथियों चारों दिशाओं को जीतने वाला, चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। मेवाड़ वंश यानी मेवाड़ के गोहिल वंश के शासक बप्पा रावल को चकवे के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा हिंदू सूरज के नाम से भी इनको जाना जाता था, राजगुरु के नाम से भी जाना जाता था और चकवे के नाम से भी जाना जाता था। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा मेवाड़ के गोहिल वंश,
गोयल वंश की कुल 24 शाखाएं थी। 24 शाखाओं में मेवाड़ के जो गोयल वंश था ये सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण शाखा थी। मेवाड़ के गोयल वंश में हमने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा, बप्पा रावल की उपाधियों के बारे में पढ़ा और बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया, नागदा को अपनी राजधानी बनाया, मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, गजनी तक गया, अपने भांजे को शासक बनाया और सलीम नामक शासक को हराया और इतिहासकार सी वी वैद्य ने इसे चार्ल्स मार्टेल की उपाधि से भी सुशोभित किया। तो इस वीडियो में हमने बप्पा रावल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ा। समय समय पर हम कई प्रकार के राजस्थान इतिहास के ऐसे ही वीडियोज आपके सामने उपलब्ध करवाते रहेंगे। मीरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।